नमस्कार दोस्तों, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 पर मैंने आपके साथ फरवरी 2019 में दो वीडियोस के थ्रू अपना डिस्कशन स्टार्ट किया। इस डिस्कशन में अब तक मैंने आपके साथ में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड की बेसिक भूमिका क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको लेकर के आए हैं, यह डिस्कशन किया। और साथ साथ मैंने यह भी आपके साथ में दूसरे पार्ट में डिस्कस किया कि हु कैन बी एन एप्लीकेंट बिफोर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड रिलेटेड प्रोसीडिंग्स फॉर द पर्पजेज ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दैट इज एनसीएलटी। मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ ऑपरेशनल क्रेडिटर किस प्रकार से एक एप्लीकेशन कर सकता है उस विषय पर डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर विषय को क्यों यहां पर चुन रहा हूं सर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं उनका पैसा कॉरपोरेट्स के पास में फंसा हुआ है और वो उस पैसे को रियलाइज नहीं कर पा रहे, उसको रिकवर नहीं कर पा रहे। तो शायद इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का सहारा लेकर के वो अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हैं, ऐसा मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस है। और इस वीडियो का पर्पस ये कतई नहीं है कि मैं एक प्रकार का कोई यहां पर न्यूसेंस फैलाना चाहता हूं। यदि आपका जेन्युइन ड्यूज है और वो ड्यूज डिस्प्यूटेड नहीं है और आप उस पैसे की रिकवरी करना चाहते हैं परंतु कॉरपोरेट डेटर यानी कोई कंपनी जिससे आप वो पैसा मांगते हैं वो पैसा आपको यदि नहीं दे रही है, तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग्स आपको उस पैसे की रिकवरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। मैं सर यहां पर सबसे पहले आपके साथ ये डिस्कशन करने जा रहा हूं कि ऑपरेशनल क्रेडिटर होता कौन है। तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ये कहता है साहब कि ऑपरेशनल क्रेडिटर ऐसा व्यक्ति है जिसका कि एक ऑपरेशनल डेट ड्यू है किसी और व्यक्ति पर जो कि यहां पर एक कॉरपोरेट डेटर होगा, और ऐसा डेट किसी सप्लाई ऑफ गुड्स के रिलेशन में या सर्विसेज के रिलेशन में हो सकता है। मैं इसका उदाहरण देता हूं सर, मैं कोरियर कार्गो सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैंने किसी कंपनी को बिटवीन जयपुर एंड गुड़गांव ट्रक्स प्रोवाइड किए थे ताकि उनका माल मैं जयपुर से गुड़गांव ले जा सकूं, और उसके लिए मैं उस कंपनी से आज की डेट में 4 लाख रुपए मांगता हूं और कंपनी वो 4 लाख रुपए का भुगतान मुझे नहीं कर रही, मैं उनका ऑपरेशनल क्रेडिटर हूं। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर हूं और मैंने किसी कंपनी के एम्प्लॉयज का हेल्थ चेकअप किया और उस हेल्थ चेकअप के लिए सर मेरे को 1.5 लाख रुपए की फीस ड्यू है परंतु कंपनी मुझे उस फीस का भुगतान नहीं कर रही, मैं उस कंपनी का ऑपरेशनल क्रेडिटर हूं। तो सर मैंने आपके सामने जो उदाहरण रखे, इसके अलावा और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिनमें आप किसी कंपनी के ऑपरेशनल क्रेडिटर होंगे और ऐसी परिस्थिति में जहां पर वो कंपनी आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर का ड्यूज का भुगतान नहीं कर रही, तो आप आईबीसी से मदद ले सकते हैं। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आपको हेल्प कर सकता है उस ड्यूज की रिकवरी में। यहां पर सर यह भी जान लेना जरूरी है कि आप डेट की रिकवरी तभी कर पाएंगे जब वो पर्टिकुलर केस में सामने वाली कंपनी ने डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि साहब मैंने कंपनी से 90 डेज का टाइम तय किया कि वो मेरे डेट का भुगतान करेंगे, यानी मैंने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी उसका वो 90 डेज में भुगतान करेंगे या मैंने जो माल बेचा उसका वो 90 डेज में भुगतान करेंगे, और 90 डेज अभी पूरे नहीं हुए और मैं आईबीसी का सहारा लेकर के वो पैसा रिकवर करना चाहता हूं। सर जब 90 डेज की बेसिक कंडीशन ही नहीं पूरी हुई तो डिफॉल्ट अकर ही नहीं हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि कंपनी जो कि ऑपरेशनल डेटर कहलाती है, जो कि कॉरपोरेट डेटर कहलाती है, यदि वो डिफॉल्ट नहीं करेगी तो मैं रिकवरी के प्रयास आईबीसी के थ्रू नहीं कर सकता। हाँ, यदि उन्होंने डिफॉल्ट कमिट किया, जैसे मैंने कहा 90 डेज निकल गए और अब मेरे को अभी भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो सर मैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का सहारा लेकर के एक रिकवरी प्रोसीडिंग सीआईआरपी के थ्रू, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू ये सहारा ले सकता हूं कि मेरे पैसे की रिकवरी हो। डिफॉल्ट को भी सर डिफाइन किया है लॉ में और ये कहा गया है, डिफॉल्ट मीन्स डिफॉल्ट एज नॉन पेमेंट ऑफ डेट व्हेन होल और एनी पार्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट और पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट हैज बिकम ड्यू एंड पेबल एंड नॉट रीपेड बाय द डेटर। यानी सर लॉ ये भी कहता है यदि पार्ट ऑफ द अमाउंट भी ड्यू हो गई और उसका भुगतान नहीं किया गया है तो भी सर डिफॉल्ट अकर हो गया है। हालांकि एक बात हमें ध्यान रखनी होगी,
कि यहां पर एक मॉनेटरी लिमिट फिक्स है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 1,00,000 रुपए होना चाहिए, यानी यदि डिफॉल्ट का अमाउंट 1,00,000 रुपए से कम है तो आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट का सहारा लेकर के उस पैसे की रिकवरी के प्रयास नहीं कर सकते। मान लेते हैं सर ये सारी शर्तें पूरी हो गई कि मैं एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हूं, सामने एक ऑपरेशनल डेटर है, कॉरपोरेट डेटर है, और वो कॉरपोरेट डेटर का डिफॉल्ट हो गया, वो मेरे को भुगतान नहीं कर रहे, तो मुझे प्रोसीजर क्या फॉलो करना है? तो आईबीसी का सेक्शन 8 ये कहता है कि यदि डिफॉल्ट अगर हुआ है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को सबसे पहले एक डिमांड नोटिस और इनवॉइस की कॉपी कॉरपोरेट डेटर को देनी पड़ेगी और डिमांड करना है कि साहब मेरा ये पर्टिकुलर अमाउंट इन्वॉल्व है, आप मुझे उसका भुगतान करिए। ये पर्टिकुलर जो डिमांड उसको करनी है किसको? ऑपरेशनल क्रेडिटर को। इस ऑपरेशनल क्रेडिटर को एक पर्टिकुलर डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा और ये डिमांड नोटिस सर कॉरपोरेट डेटर के रजिस्टर्ड ऑफिस पर बाय हैंड दिया जा सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से दिया जा सकता है, या स्पीड पोस्ट से भी दिया जा सकता है, और आप एक्नॉलेजमेंट भी उसकी लगा सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेजना चाहें तो आप किसी ओल्ड टाइम डायरेक्टर को, डेजिग्नेटेड पार्टनर को, या की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कॉरपोरेट डेटर को भी इलेक्ट्रॉनिक मेल से ये डिमांड नोटिस भेज सकते हैं। मान लीजिए ये डिमांड नोटिस सर्व हो गया तो अब कॉरपोरेट डेटर क्या करेगा? कॉरपोरेट डेटर को सर 10 दिन में डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिमांड नोटिस एज वेल एज इनवॉइस कॉपी देयर ऑफ ऑपरेशनल डेटर को या तो वो भुगतान कर देना है जो वह मांग रहा है, या वो एक ऑपरेशनल क्रेडिटर को डिस्प्यूट नोटिफाई करेगा कि साहब मैं इन इन वजहों से आपको भुगतान नहीं कर रहा। अब वो डिस्प्यूट क्या हो सकते हैं सर, ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है। यहां पर सर डिस्प्यूट को डिफाइन किया है कि डिस्प्यूट इंक्लूड्स अ सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ अमाउंट ऑफ डेट, यानी वो ये कह रहा है सर इतना तो पैसे ही नहीं बनते आपके। बी क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस, आपने जो गुड्स और सर्विसेज दी उसकी वो क्वालिटी नहीं थी जो तय हुई थी। या ब्रीच ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन और वारंटी, आपने कोई वारंटी दी थी वो वारंटी को अब आप ऑनर ही नहीं कर रहे। तो यदि कॉरपोरेट डेटर डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है तो आप आईबीसी में आगे नहीं बढ़ सकते, यानी अगर अनडिस्प्यूटेड ड्यूज हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर के तभी आगे बढ़ा जा सकता है, नहीं तो आईबीसी आपको सहारा नहीं देगा फर्दर रिकवरी के पर्पजेज में। यानी अनडिस्प्यूटेड ड्यूज होंगे तभी ऑपरेशनल क्रेडिटर आईबीसी प्रोसीडिंग का सहारा ले सकता है। तो मान लीजिए सर जैसा मैंने पहले आपको बोला कि विद इन 10 डेज ऑफ रिसीट ऑफ डिमांड नोटिस या तो कॉरपोरेट डेटर आपके डिमांड को एक्सेप्ट कर लेगा, भुगतान कर देगा, या वो एक डिस्प्यूट क्रिएट करेगा, और यदि मान लीजिए वो साइलेंट है यानी अभी भी वो भुगतान नहीं कर रहा है तो आप अब आगे आईबीसी के अंदर बढ़ सकते हैं। ये जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है सर, इसमें आप एक बकायदा एप्लीकेशन करेंगे सर, और ये एप्लीकेशन अब आपकी की जाएगी बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब है एनसीएलटी। एनसीएलटी अब आपकी एप्लीकेशन को, जो कि एक फॉर्म 5 में फिलअप की जाती है, देखेगी कि क्या आपने उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स थे लगाने थे वो लगाए, आपने प्रिस्क्राइब फीस जो कि 2,000 रुपए है उसका भुगतान किया, आपने यहां पर सर साथ के साथ जो भी डिफॉल्ट का रिकॉर्ड है वो एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी करके एक संस्था है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का एक प्रावधान है आईबीसी में, और इस संदर्भ में सब एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी भारत सरकार ने बनाई भी है जिसका नाम है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESU। इसके पास में वो पर्टिकुलर डिफॉल्ट का रिकॉर्ड होगा जो आपने फाइल किया होगा। तो ये सारे तथ्य, ये सारे डॉक्यूमेंट सर आपको CIRP की एप्लीकेशन के लिए NCLT में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में फाइल करने हैं, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की फिटनेस को देखेगी, और यदि उनको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन फिट है तो वो उस एप्लीकेशन को हो सकता है एडमिट कर लेगी। NCLT द्वारा एडमिट कर लिए जाने पर किसी एप्लीकेशन को, जो रिलेवेंट कॉरपोरेट डेटर है सर, उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कमेंस हो जाती है। तो सर ये एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू एक पूरी कॉरपोरेट डेटर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह आ सकता है यदि वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के जेन्युइन ड्यूज का भुगतान नहीं करता। तो सर ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए रिकवरी करने का ये एक बड़ा ही इफेक्टिव टूल है,
और मैं फिर कह रहा हूं सर कि मेरा इस वीडियो का पर्पस किसी प्रकार का न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करना नहीं है। यदि आपके जेन्युइन ड्यूज हैं जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है और आप एक बकायदा पूरे प्रक्रिया का पालन करते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आपको एक डिमांड नोटिस देना है, उसके साथ इनवॉइस की कॉपी लगानी है, ये यदि आप करते हैं और फिर भी आपके इस पर्टिकुलर डिमांड नोटिस का भुगतान कॉरपोरेट डेटर नहीं करता, तो आप सर एनसीएलटी जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके थ्रू सर अपनी पर्टिकुलर अमाउंट की रिकवरी का प्रयास कर सकते हैं। तो सर मुझे यहाँ पर जो एक प्रोसीडिंग लगी मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता था कि हाँ सर, एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर आप अपनी रिकवरी के यह प्रयास आईबीसी के थ्रू कर सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी इसके संदर्भ में होगी तो मैं उन्हें सॉर्ट आउट करने की, सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा सर और आगे भी आपके सामने आईबीसी से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ और महत्वपूर्ण बातें, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स लाने की कोशिश करता रहूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।